डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है आपको, हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में हैलोबेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था पिछले क्लास में। आज हम लोग चलिए उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब लिखा जाए धातु के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, तो हैलोजन का। तो अच्छा सा टॉपिक बना दीजिएगा, हैलोजन का धातु के साथ अभिक्रिया, हैलोजन का धातु के साथ अभिक्रिया। तो अब हैलोजन का हम लोग हैलोबेंजीन का धातु के साथ अभिक्रिया में पहला लिखेंगे, फर्स्ट वुड्स अभिक्रिया। और आपको जानना चाहिए वुड्स अभिक्रिया अगर कहीं मिल गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा धातु लिया गया होगा, सोडियम धातु। क्योंकि सोडियम धातु का अगर रिएक्शन कराते हैं किसी का, तभी वो कहलाता है हम लोगों का वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग पहला देखेंगे वुड्स अभिक्रिया, और वुड्स अभिक्रिया का मतलब समझना है सोडियम धातु, कौन सा धातु, सोडियम धातु। तो यहाँ पे वुड्स अभिक्रिया के नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए फर्स्ट एरो देकर, जब हैलोबेंजीन को सोडियम तथा एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मेथिल बेंजीन का निर्माण होता है। चलिए अब जो पहला लिखे हम लोग, इसका पहले रूल्स देख लेते हैं कि हैलोबेंजीन का अगर सोडियम धातु के साथ करेंगे तो क्या क्या रूल्स होगा। सबसे पहले हम लोग रूल सीखेंगे कि कोई भी हैलोबेंजीन होगा दोस्तों, हैलोबेंजीन होगा मतलब कि बेंजीन रिंग से क्या जुड़ेगा, हैलोजन। ठीक है, बेंजीन रिंग से हैलोजन। जब इसको सोडियम यानी कि Na और एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड का मतलब RX के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं, देखिए सोडियम हो गया ये, और इसी के वजह से इसका जो नाम हो रहा है ये वुड्स अभिक्रिया हो रहा है। किसके वजह से, इस सोडियम के वजह से, और इस RX को हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, एल्किल हैलाइड का मतलब हुआ कि R का मतलब कोई भी कार्बन का चैन और X का मतलब हैलोजन। तो यहां पे जो बनेगा हम लोगों का वो बेंजीन रिंग से एक R जुड़ जाएगा, जिसको हम लोग एल्किल बेंजीन बोलते हैं। देखिए ऐसा, ये रहा हम लोगों का एल्किल बेंजीन, क्यों, क्योंकि यहां पे R जुड़ गया। अगर कोई भी अगर R जुड़ गया तो बाहर क्या निकलेगा, जरा देख लेते हैं, NaX2 निकलता है, NaX। हालांकि X यहां पे कितना है, दो ठो है, तो दो ठो से बैलेंस कर दिए तो सोडियम भी दो ठो हो गया, तो दो यहां पे। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों को जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हम लोगों को जब एल्किल, सॉरी ये क्या है, तो ये है हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन। और जब हैलोबेंजीन को सोडियम और एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं तो हम लोगों को अभिक्रिया में क्या बनता है, प्रतिफल में एल्किल बेंजीन। दिखाते हैं हम लोग इसका एग्जांपल। तो ये तो रूल्स हो गया, उसके नीचे वुड्स अभिक्रिया का ये रूल्स जो अभी हम लोग लिखे,
अब इसी रूल्स पे आधारित कुछ हम लोगों को एग्जांपल, जैसा कि माना जाए एक हम लोगों का क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, तो क्लोरोबेंजीन कब होता है, जब बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्योंकि हेलोबेंजीन, हेलो मतलब हेलोजन और यहां पे एक्स की जगह पे सीएल जुड़ गया, सब चीज वही रहेगा सोडियम प्लस यहां पे आर कार्बन का चैन, तो हम कार्बन का चैन ले लेते हैं CH3Cl। देखिए जब जो यहां पे एक्स लेंगे वही यहां पे भी हेलोजन लेना होगा, यहां सीएल तो यहां सीएल, यहां बीआर तो यहां बीआर, तो यहां पे हमें क्या बनेगा, यहां पे आर जुड़ जाएगा, देख पा रहे होंगे ये बेंजीन के साथ यहां एक कार्बन का चैन है CH3 और फिर 2NaCl बन जाएगा, यानी हम इसको बोलेंगे CH3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल बेंजीन, ठीक है। अगर यहां C2H5 होता तो यहां पे एथिल बेंजीन हो जाता, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को इस तरीके का अभिक्रिया रहेगा, तो उट्स अभिक्रिया नाम देंगे, क्यों, क्योंकि सोडियम धातु लिया जा रहा है, और दूसरी बात कि ये हेलोबेंजीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, ये कुछ इस तरीके से है, इस बार हमें ब्रोमीन लिया गया है, 2 सोडियम का एटम है, इस बार C2H5 कार्बन के चैन में लिया गया है, तो क्या आपने यहां पे जोड़ सकते हैं, इसका रिएक्शन बना सकते हैं, कैसे बनेगा, तो इस बेंजीन रिंग के साथ R जोड़ना है, रूल्स में देखे ना, R मतलब C2H5 यहां जोड़ देंगे और इसका नाम हो जाएगा मेथिल नहीं एथिल, क्योंकि 2 कार्बन का चैन है तो एथिल बेंजीन बनेगा और बाकी सबका सब वही बन जाएगा। तो कुल मिलाकर पहला जो अभिक्रिया था हम लोग हेलोबेंजीन का, वो उट्स अभिक्रिया था क्योंकि सोडियम धातु लिए थे। चलिए अगले दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, दूसरा नंबर में लिखा जाए नंबर 2 में लिखेंगे फिटिंग अभिक्रिया। जरा फिटिंग अभिक्रिया को देखते हैं कि एक नया अभिक्रिया, देखिए यही सब तो प्रॉब्लम हो जाता है बाद में, अगर आप अभी इन चीजों को जेहन में नहीं रखिएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा कि किसको उट्स अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया, सब अलग अलग नाम जो होता है ना उसके गुण पे होता है। जैसे अभी हम लोग का नाम क्या आया, फिटिंग अभिक्रिया, तो जब फिटिंग अभिक्रिया का क्या गुण है, क्या पहचान है कि आखिर इसको क्यों बोला जा रहा है फिटिंग अभिक्रिया, तो उसका भी पहचान है, उसकी पहचानने के लिए नीचे एरो देकर लिखेंगे, फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे जब हेलोबेंजीन के 2 अणु इथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो डाइफेनाइल का निर्माण होता है, डाइफेनाइल या डाइफेनिल बोलते हैं इसको, डाइफेनिल लिखते हैं लेकिन डाइफेनाइल पढ़ते हैं, डाइफेनिल या डाइफेनाइल का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। देखिए अब फिटिंग अभिक्रिया नाम कैसे हुआ, फिटिंग का क्या पहचान है वो समझिए। देखिए दो अंतर होता है, एक उट्स अभिक्रिया और एक फिटिंग अभिक्रिया में क्या अंतर है, तो उट्स अभिक्रिया उसको कहेंगे जहां पे सोडियम धातु सिर्फ रहेगा, लेकिन फिटिंग अभिक्रिया किसको कहेंगे,
फिटिंग अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जहां पे हैलोबेंजीन का दो एटम लिया जाता है। याद रखिएगा, हैलोबेंजीन का दो एटम यानी कि दो गो हैलोबेंजीन और उसके साथ भी सोडियम, यानी कि सोडियम सिर्फ अकेला रहेगा तो वुड्स अभिक्रिया। अगर वो सोडियम हैलोबेंजीन के दो अणु के साथ रहेगा, हैलोबेंजीन के दो अणु के साथ रहेगा, उसका नाम हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। चलिए देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया को। सबसे पहले रूल्स के तौर पे देखेंगे। जैसे मान लिया कि हैलोबेंजीन है, तो हैलोबेंजीन कब होता है? जब बेंजीन रिंग से हैलोजन जुड़ता है। हैलोजन माने एक्स। जब बेंजीन रिंग से हैलोजन अगर जुड़ गया तब इसको नाम हो जाएगा हेलो बेंजीन। लेकिन दोस्तों इसको जब हम लोग सोडियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और साथ साथ इथर का उपस्थिति होना जरूरी है, ध्यान से सुनिए, जब कोई भी हैलोबेंजीन को सोडियम के साथ करा रहे हैं तो फिर आपको लग रहा होगा कि सर सोडियम, आप बोलेंगे वुड्स अभिक्रिया, हम बोलेंगे नहीं भाई, इसका पहचान है कि हैलोबेंजीन का दो अणु रहता है, दो ठो हैलोबेंजीन होता है और इथर की उपस्थिति होता है। तो दोस्तों डाइफेनाइल का निर्माण होता है, और डाइफेनाइल कैसे, तो दो ठो बेंजीन को आपस में जोड़ दीजिए, ये हुआ। देख पा रहे होंगे ना, यानी कि यहां पे हम लोगों का, यहां पे हम लोगों का दो ठो अगर बेंजीन अगर आपस में जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं डाइफेनिल या डाइफेनाइल। तो आप देख पा रहे होंगे दो ठो डाइफेनाइल हो गया, लेकिन एक्स कितना हुआ, दो ठो ना, क्योंकि दोनों में एक एक ठो हुआ, तो दोनों सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा, सोडियम हैलाइड मतलब 2NaX। तो हमेशा हैलोबेंजीन के साथ कुछ भी रहेगा यहाँ पे, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, यानी कि टोटल पांच तरह का होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अनस्टेटाइन, अगर वो यहाँ पे जुड़ता है हमेशा किसका निर्माण होगा, डाइफेनिल का निर्माण होगा, क्योंकि डाइफेनिल क्या होता है, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ते हैं तो डाइफेनिल का निर्माण करते हैं। अब एग्जांपल में दो ठो कर लेंगे, पहला एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल। अगर मान लिया कि क्लोरोबेंजीन हो गया का दो एटम को साथ अगर सोडियम का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, तब पर भी वही बनेगा, डाइफेनिल एकदम हमेशा बनेगा, आप डाइफेनिल बना लो। ठीक है, ये डाइफेनिल हो गया। अब डाइफेनिल के बाद इधर क्या निकलेगा, तो टू सोडियम और यहां पे सीएल यूज किया है तो क्लोरीन का दो एटम। जब आप बैलेंस करने के लिए सोचेंगे, संतुलित करने के लिए, तो क्लोरीन कितना है, दो, यहां पर भी तो दो क्लोरीन, दो सोडियम, दो गो बेंजीन रिंग, बिल्कुल दो गो बेंजीन रिंग, क्योंकि यहां पे ये हैलोबेंजीन कितना है, दो है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया का पहचान, हैलोबेंजीन दो ठो लिया जाता है, सोडियम लिया जाता है, इथर की उपस्थिति में कराया जाता है। तो ये दो अभिक्रिया था धातु के साथ, यानी धातु के साथ हम लोग हैलोबेंजीन का देखें, दोनों ही केस में सोडियम होता है लेकिन एक में हैलोबेंजीन के दो एटम होते हैं,
इसीलिए उसको फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, पॉलीहैलोजन यौगिक। अच्छा इसका दूसरा एग्जांपल छूट गया ना, तो दूसरे एग्जांपल में आप बना लेंगे आयोडो बेंजीन को, आयोडो बेंजीन के टू एटम को सोडियम के साथ इथर की उपस्थिति में लिखना जरूरी है, वहां पर नहीं लिखे होंगे तो सुधार कर लीजिएगा, फिर आप बनाइएगा कि क्या बनता है, तो एक एग्जांपल में कर लेना। अब हम लोग चलते हैं पॉलीहैलोजन यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, टॉपिक लिखा जाए पॉलीहैलोजन यौगिक, उसके नीचे एम देंगे पॉलीहैलोजन यौगिक के नीचे, उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे जिस यौगिक में दो या दो से अधिक, जिस यौगिक में दो या दो से अधिक हैलोजन तत्व मौजूद रहते हैं, हैलोजन तत्व मौजूद रहते हैं उसे पॉलीहैलोजन यौगिक कहा जाता है, उसे पॉलीहैलोजन यौगिक कहा जाता है। देखिए सवाल है पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब होता है बहुत सारा। अगर किसी यौगिक में बहुत सारा हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीहैलोजन यौगिक, यानी कि जिस यौगिक में दो या दो से अधिक अगर हैलोजन जुड़ा हुआ रहेगा हम क्या बोलते हैं उसको, पॉलीहैलोजन यौगिक। जरा देखिएगा इसका एग्जांपल, CH2Cl2, यहां पे हैलोजन कौन है तो क्लोरीन, क्योंकि हैलोजन पांच होता है। फिर कल बहारें आएंगी आंटी, ट्रिक हुआ, फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अनस्टेटाइन, ये हमारा क्या है हैलोजन। आप यहां से हैलोजन के पहचान करेंगे तो हैलोजन कौन सा है क्लोरीन, अब यहां पे हैलोजन क्लोरीन है तो हैलोजन की संख्या कितना है यहां पे, हैलोजन की संख्या यहाँ पे दो है, तो जब यहाँ पे हैलोजन की संख्या दो है तो हम अभी क्या बोले कि जिस यौगिक में हैलोजन की संख्या दो या दो से अधिक रहता है हम उसको क्या बोलते हैं पॉलीहैलोजन। तो ये एक पॉलीहैलोजन है जिसका नाम पता है ना, डाइक्लोरोमेथेन इसका नाम है। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, ये सब एग्जांपल है CHCl3। दोस्तों यहां पे देख पा रहे होंगे Cl3 है, यानी कि यहां पे हैलोजन कितना है तीन है, और हम क्या सीखे हैं कि जब कोई हैलोजन अगर दो या दो से अधिक किसी तत्व में मौजूद रहता है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको पॉलीहैलोजन यौगिक कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसको इसका नाम क्या है, तो ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े थे ना क्लोरोफॉर्म, जी हाँ ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है और ये पॉलीहैलोजन यौगिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन की संख्या तीन है, अगर दो रहे और दो से ज्यादा रहे तो हम लोग उसको पॉलीहैलोजन यौगिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं CHI3। दोस्तों आई मतलब आयोडीन, तो इसका नाम हो जाता है आयोडोफॉर्म। ध्यान दीजिएगा यहां पे भी आई क्या है, आई एक हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अनस्टेटाइन, तो कुल मिलाकर आई एक यहां पे आयोडीन है जो कि यहां पे संख्या तीन है, तो हम इसको बोलेंगे पॉलीहैलोजन यौगिक। तो कुल मिलाकर और देख लेते हैं यहां पे, तो
चौथा एग्जांपल भी कर लीजिएगा, CCl4 क्लोरीन है एक हैलोजन और हैलोजन की संख्या 4, तो ये भी पॉली हैलोजन के अंतर्गत आ गया। इसको हम बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, क्योंकि एक कार्बन का चेन है ना, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का एग्जाम्पल था जो पॉली हैलोजन यौगिक था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टेट्रा क्लोराइड का उपयोग, यानी कि टेट्रा क्लोरोमेथेन जो भी हम लोग लिखे उसका उपयोग जरा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सवाल इससे आता है कि आप टेट्रा क्लोरोमेथेन को एक नाम से और जानते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि CCl4 को टेट्रा क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड से क्या हमें उपयोग है, क्या लाभ है और इसके क्या हानि है, इसके बारे में समझते हैं। ये हम लोगों का पॉली हैलोजन यौगिक पढ़ रहे थे, अब लिखा जाए कार्बन टेट्रा क्लोराइड से का उपयोग, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसका फॉर्मूला CCl4 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसको हम लोग टेट्रा क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, उसके नीचे लिखेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग निम्नलिखित है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग निम्नलिखित है, पहला प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक बताते हैं अभी आप लिखते चलिए, हम सब चीज को डिस्कस करेंगे कि ये प्रशीतक क्या है, प्रशीतक के रूप में। दूसरा CFC के संश्लेषण में, CFC आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के संश्लेषण में। तीसरा अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में। ये तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हम लोगों का उपयोग हो गया। अच्छा, इसके कुछ हानि भी हैं, तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड के निम्नलिखित हानि है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के निम्नलिखित हानि है, पहला कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से लीवर कैंसर होने के कुछ प्रमाण मिले हैं, लीवर कैंसर, लीवर जो होता है ना, लीवर यकृत है ना, तो लीवर कैंसर होने के कुछ प्रमाण मिले हैं। दूसरा आंख के संपर्क में आने से, आंख के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है, आंखों में जलन होती है। फिर लिखेंगे तीसरा कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रभाव से, सिर दर्द कोमा उल्टी होने लगता है, उल्टी होने लगता है। चलिए तो हम लोग यहां पे अभी पढ़ रहे हैं स्पेशल कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में, कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या उपयोग है और इससे हम लोगों को क्या हानि है।
तो उपयोग में सबसे पहला उपयोग लिखे है दोस्तों प्रशीतक के रूप में। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग उसको बोलते तो जरूर है लेकिन बहुत सारे वर्ड जो होती है ना वो इंग्लिश ही होती है और हम लोग शुरू से उसका इंग्लिश ही जानते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्रिज। और आपको जानना चाहिए फ्रिज एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन हम लोग इसको फ्रिज बोलते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी प्रशीतक होता है जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फ्रिज का, फ्रिज में जो होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है जो CFC गैस भी इसको बोलते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग 10th में भी पढ़े थे कि AC फ्रिज से हम लोगों को CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और वो ओजोन से भी हल्का होता है इसलिए वो ऊपर जाना चाहता है और वो ऊपर जाता है सिवाय ओजोन परत को तोड़ता है और जब तोड़ता है तो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा पे पड़ के हमें त्वचा कैंसर करती है, हम बीमार पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आखिर ये CFC कहां से निकलता है, तो CFC निकलता है फ्रिज से, CFC निकलता है हम लोग जो स्प्रे यूज करते हैं फंक्शन में जाने के लिए उससे निकलता है। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि प्रशीतक जो है उसका मतलब क्या समझना है, फ्रिज। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग फ्रिज में होता है, CFC का संश्लेषण करने में, यानी कि CFC गैस जो निकलता है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। और फिर अग्निशामक, अग्निशामक का मतलब जहां कहीं भी अगर आग लग जाता है तो आग बुझाने वाला जो गाड़ी आती है ना, फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र, तो उसमें भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया हुआ होता है। तो ये हम लोग का कुछ उपयोग है, लेकिन सिवाय दोस्तों इससे कुछ हम लोगों को हानि भी है। अगर जो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा दिन तक हर टाइम अगर वो AC में रहता है या फ्रिज का खाना खाता है, फ्रिज का पानी पीता हमेशा, तो उसका उस पर इफेक्ट भी पड़ सकता है, जहां तक कि कुछ लिवर कैंसर होने के भी प्रमाण मिले। लिवर में तुरंत कैंसर पकड़ लेता है अगर ज्यादा आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं तो, कुछ प्रमाण मिले हैं। और दूसरा हम लोग कहानी ये है कि आंख के संपर्क में अगर उसको ले जाया जाए तो आंखों में पूरा जलन जैसा महसूस होने लगेगा। ठीक है, और अगर ज्यादा इसका सेवन करते हैं, ज्यादा फ्रिज किया हुआ चीज खाते हैं पीते हैं, तो आपको सिर दर्द और उल्टा होने का भी चांस होता है। तो ये हम लोग को कुछ हानि था। ठीक है, तो ये हम लोग का कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में कुछ इसका उपयोग और कुछ इसका हानि हम लोगों ने पढ़ा। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग का टॉपिक्स फ्रीऑन के बारे में। अब ये फ्रीऑन क्या होता है और फ्रीऑन का यूज क्या है उसके बारे में, चलिए अब टॉपिक हम लोग लेंगे फ्रीऑन। और आपको पता होना चाहिए फ्रीऑन का ही दूसरा नाम है CFC। CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अब हम लोग टॉपिक देंगे फ्रीऑन। तो फर्स्ट आप देखकर लिखेंगे फ्रीऑन को ही सी एफ सी ब्रैकेट में क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहा जाता है। फ्रीऑन को ही CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। अब फ्रीऑन का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, अब उसका उपयोग हम लोग देखेंगे और इससे कुछ हानि भी होता है उसको भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो फ्रीऑन किसको कहते हैं हम लोग, CFC को, CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब इसका क्या उपयोग है और इससे क्या हानि है तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।